हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर दी थी, जिसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ आपके चैनल पे। तो जो पहली वीडियो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थी, उसके प्रोपेगेशन के बारे में थी, उसका नेचर कैसा है। तो सेकेंड वीडियो के में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिकली मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की टर्म्स में, मीन्स दैट इज एच के टर्म्स में या जे की टर्म्स में। जे आपको पता है करंट डेंसिटी होता है, डी होता है डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो हम इस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है। इट इज द करंट इन द इंसुलेटेड रीजन। जो इंसुलेटेड रीजन होता है उसमें करंट होता है, और किसकी वजह से होता है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा इंसुलेटर्स में करंट नहीं होता है, बट इट इज द करंट इन द इंसुलेटेड रीजन। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके आसपास चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल अगर हम आगे भी करेंगे तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली इंसुलेटेड होता है, बट अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब क्योंकि चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो भी क्या होगा, हम उसको टाइम के साथ वेरिएशन में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ में आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। हमें यह भी पता है कि बी और एच के बीच में क्या रिलेशन है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। यहां पर ये वाली वैल्यू हमें पुट करनी है, म्यू नॉट एच डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। यहां पर म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया बिकॉज कॉन्स्टेंट है ये। इस इक्वेशन को कंसिडर करो फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब ये जो एम्पियर सर्कुटल लॉ की फॉर्म है ये किसमें है, ये एच इसमें है, एक्सप्रेशन में है, और जो नॉर्मल है उसमें बी होता है और यहां पे एच है, ठीक है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय, अब जो आपको इलेक्ट्रिक करंट आई है वो करंट डेंसिटी के टर्म्स में मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा कि एग्जांपल मैंने लिया था, इसमें बहुत सारी करंट डेंसिटी J1, J2, J3 ये सब थे, ठीक है, और इन सबका टोटल करंट मैंने क्या किया था, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया था। तो सेम वही चीज यहाँ पर है, आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, इसको मैंने कंसिडर कर लिया है सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ये आई की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करूंगी, तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये वाला जो है आपका क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल है। क्लोज लाइन इंटीग्रल इज रिलेटेड टू ओपन सरफेस इंटीग्रल विद द थ्योरम नोन एज स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम यूज करी हमने, एच डॉट डी एल किसके इक्वल आ गया, कर्ल ऑफ एच डॉट डी एस। अब ये वाली जो वैल्यू है आप ये इधर पुट करेंगे तो आपने दोनों को इक्वेट कर दिया, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्योंकि डीएस डीएस सेम है, इंटीग्रल इंटीग्रल सेम है, तो मेरा क्या बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे विच इज करंट डेंसिटी, ठीक है। अब ये जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, एक स्टेडी कंडीशन है, मतलब कहीं भी कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि कंसीडर करो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो हम एक एडिशनल टर्म यूज करेंगे, ठीक है, जे डैश यूज करेंगे। यहाँ पे आगे हम आगे अभी देखते हैं थोड़ी देर में, यहाँ पे जे की जगह हम क्या करेंगे, जे प्लस प्लस को एक एडिशनल टर्म यूज करेंगे, जे डैश, जो कि किस पे डिपेंड होगी, टाइम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। ये मेरा थर्ड आ गया था जिसको मैंने मार्क कर दिया था, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे। डाइवर्जेंस लेते हैं दोनों साइड, डाइवर्जेंस लिया यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स। किसी भी वेक्टर का अकॉर्डिंग टू वेक्टर कैलकुलस डाइवर्जेंस, और फिर पहले कर्ल और फिर उसका डाइवर्जेंस अगर किसी भी वेक्टर का लेते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, जीरो। या आप कोई छोटा सा एग्जांपल लेके भी करके देख सकते हैं, ठीक है। बट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज जीरो। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब ये जो टर्म आपकी जे जो जीरो आई है, ठीक है, ये तो इसके अकॉर्डिंग आ गई है जो हमने स्टार्टिंग से हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में के जो रिलेशन से जो हम डेराइव किया ये आया। बट एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है जो अपने 11th क्लास में पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से इन डायलेक्ट्रिक्स या फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो
जो डाइवर्जेंस ऑफ जे होगा वो क्या होगा, माइनस डेल रो बाय डेल टी। यहां पर रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, डेल रो बाय डेल टी, माइनस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि ये जीरो है, ठीक है। रो मेरा इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो जीरो है। बट मेरा जो ये टाइम के साथ साथ वेरी करेगा, ठीक है, मेरा कोई भी चीज है क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो टाइम के साथ साथ वेरी करेगा, तो मेरा टाइम इंडिपेंडेंट होगा। तो टाइम डिपेंडेंट फील्ड के लिए मैं क्या करूंगी कि देयर शुड बी सम मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन जो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया, मैक्सवेल सजेस्टेड दैट वी मस्ट एड सम वेक्टर जे डैश। हमने कोई वेक्टर जे डैश एड किया है टू द आरएचएस ऑफ दिस, मतलब जे में कुछ एक और चीज हमें करंट डेंसिटी के अलावा एड करना है जो कि जे डैश है, टू द आरएचएस ऑफ इक्वेशन 3 टू मेक इट वैलिड, तभी ये हमारी वैलिड होगी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कर दिया है प्लस जे डैश कर दिया, अगेन टेक डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ दिस, ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ये अगेन जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल हो गई, जीरो के इक्वल हो गई है। अब ये जीरो के इक्वल है तो ये वाली टर्म उठा के इधर लेके जाएंगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो आपकी आ गई डेल डॉट जे डैश इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, ठीक है। अब ये मेरा क्या था, माइनस डेल रो बाय डेल टी, यहां पे वैल्यू पुट करी आ गया डेल रो बाय डेल टी, ठीक है। अब फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स, डायलेक्ट्रिक्स का ये जो आपका सिलेबस में नहीं है वैसे गॉस लॉ जो है वो नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट एक समझ लीजिए कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, जो वॉल्यूम आपका डेंसिटी होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस होगा, जो यहां पे मैंने डी से इंडिकेट करा, डी का मतलब है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज रिलेटेड टू फ्री चार्जेस ओनली। आपने अपनी हायर क्लास से पढ़ा होगा अपने 11th 12th में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। तो यहां पर जो मेरा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ फ्री चार्जेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो रो मेरा क्या आ गया, ये आ गया। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप, लेट अस सी द लास्ट स्टेप। डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश मेरा क्या आ गया, डेल बाय डेल टी, डाइवर्जेंस ऑफ डी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैंने किसकी जगह पुट करी है, रो की जगह, ये इसी इक्वल आ गया। मैंने डाइवर्जेंस को बाहर निकाल लिया, इसको मैं अंदर लेके गई तो डेल डी बाय डेल टी, दिस इज ट्रू एट एवरी पॉइंट। अब ये जो है क्योंकि टाइम के साथ साथ भी चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंट भी मैं कर सकती हूँ, तो ये मेरा हर जगह पे वैलिड होगा। जे डैश मेरा क्या गया, डेल डी बाय डेल टी, वैल्यू पुट करो ये फिफ्थ की, हमारी पहले वाली इक्वेशन में क्या था बनेगा, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डैश, और जे डैश की जगह क्या वैल्यू आ गया, डेल डी बाय डेल टी, ठीक है। अब ये मेरा रिजल्ट आ गया, जो अब आपकी जो डी है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज टाइम वेरिंग, जो कि टाइम पे टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, ठीक है। तो डी मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट करंट वेक्टर चेंजिंग विद टाइम, जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, 3, 4 या 5 मार्क्स में आ सकता है, बट आई थिंक 3 या 4 मार्क्स में ही आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस करेंगे, उनका छोटे छोटे डेरिवेशंस है जो कि बहुत इजी है, हम वो देखेंगे। हमें स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल करना है, ठीक है, और इसके बाद हमें पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, ये सब हमें कवर करना है। तो टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अच्छे से समझिए और करिए। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन लिंक फॉर फर्दर वीडियोज़।